हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल की डेट में यहाँ पर तीन वीडियो से रिलेटेड बातें की गई थी। यहाँ पर हमने ब्रेकआउट स्टॉक इंडियन होटल से रिलेटेड बातें करी थी। अगर आपको मैं यहाँ इंडियन होटल्स दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन में यहाँ पर किस तरीके की हरकत होती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेयर दिन भर एक साइडवेज जोन में चल रहा था, बट यहाँ पर फिर 3 से 5% तक ये शेयर भागता हुआ नजर आया। और इसमें एक अच्छी खासी जंप अभी और भी बाकी है। इट इज नॉट द एंड, इट इज द बिगनिंग की ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है और अच्छा खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। बट आपको ऊपर के लेवल पे फंसना नहीं है, इसलिए सॉरी स्टॉप लॉस का हमेशा यूज करना है। अगर आप न्यू एंट्री ले रहे हैं, अगर किसी के पास पहले है जैसे कि मेरे पास पहले से है, तो यहाँ पर कब एग्जिट करना है वो हम अकॉर्डिंग टू यहाँ पर सिचुएशन देखेंगे, या रेड कैंडल जिस दिन बनेगी वहां पर हम एंड एग्जिट करते हुए दिखाई देंगे। तो हमें किस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट को एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से हमें ब्रेकआउट स्टॉक्स को पकड़ना है, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा तब देखेंगे। बट आज के दिन में एक और स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करेंगे जहां पर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है और जहां पर अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे, जानेंगे उस स्टॉक से रिलेटेड, और पहले भी उस स्टॉक से रिलेटेड बातें करी है, बहुत नीचे लेवल पर दिलाया भी है, अगेन वहां पर ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको वीडियोज मिले। दूसरी वीडियोज को जाइए, देखिए, सीखिए। बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करना है और जितना हो सके आपको चीजें सीखनी है। सॉरी यहाँ पर बाहर का आपको शोर आ रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ सामने काम चल रहा है, तो यहाँ पर आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और वीडियोस को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तो चीजें समझ में आएगी। क्या मैं कहना चाहता हूँ आपको वो चीजें यहाँ पर समझ में आती हुई नजर आएगी। और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो ये पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि हमने कल आपको इंडियन होटल्स दिया था, इससे पहले हमने आपको और भी बहुत सारे स्टॉक्स दिए हैं, वहां पर भी अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें एक और स्टॉक से रिलेटेड, हम बातें करेंगे जहां पर अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आएंगे, तो जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यहाँ पर टिनप्लेट। टिनप्लेट आपको पता ही है एक बेहतरीन स्टॉक्स रहा है, मल्टीबैगर स्टॉक्स रहा है, ओके, यहाँ पर अच्छे खासे पैसे यहाँ पर बनाए भी है और अच्छा खासा शेयर भी दिखाई देता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है। इसके अलावा एफआईआईज की होल्डिंग यहाँ देखिए बढ़ती हुई नजर आई है, 0.73 से 2.42, 2.62 फिर 2.66। डीआईएस की बात करें कोई डीआईएस नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, एज वेल एज पब्लिक की बात करें तो पब्लिक देख सकते 22.36% की होल्डिंग है। इसमें भी आप देखेंगे 1.15% की होल्डिंग यहाँ पर पैट्रॉन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ पर पास में है। तो ये कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ पर देखिए ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग टाटा स्टील लिमिटेड का एक पार्ट है, एक सब्सिडरीज है। और यहाँ पर टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज ए प्रोड्यूसर ऑफ टिन कोटेड एंड टिन फ्री स्टील शीट इन इंडिया, तो स्टील शीट बनाती हुई नजर आती है यहाँ पर, काफी बेहतरीन है। इससे रिलेटेड मैंने पूरी की पूरी आपको वीडियोस बनाई है, उसमें सब चीज यहाँ पर समझा रखी है, एज वेल एज यहाँ पर देखे मैन्युफैक्चर बाई द कंपनी इज यूज फॉर पैकेजिंग, जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो कहाँ पर यूज होते हैं, पैकेजिंग ऑफ एडिबल ऑयल। यहाँ पर देखिए एडिबल ऑयल आपने देखा होगा, टीन आती है उसके अंदर आता है जो 20 kg का या 15 लीटर का, यहाँ पर जो पूरा एडिबल ऑयल का आता है कनस्तर, एज वेल एज पेंट्स में जो जिसमें पेंट्स आते हैं या फिर केमिकल्स आते हैं, प्रोसेस फूड्स आते हैं, बैटरीज आती है, ये सारे के सारे जो उस जिसके अंदर आते हैं पैकेजिंग में आते हैं वो यही कंपनी बनाती हुई नजर आती है। टिनप्लेट के बारे में और चीज़ें जानने के लिए एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करिए, इनके सारे के सारे प्रोडक्ट एंड ये सारे की सारी चीज़ें देखिए, तो आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड और भी चीज़ें। तो टिनप्लेट के यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल्स पर जाते हैं तो स्मॉल कैप कंपनी है, 4,181 करोड़ का मार्केट कैप है, 14 के PE पर शेयर चल रहा है, यहाँ पर इंडस्ट्री PE 11 है तो आसपास ही चल रहा है, ज्यादा महंगा नहीं है। ROC ROE की बात करें 17 और 12 के आसपास है, डेट फ्री कंपनी है और 412 से यहाँ पर ये शेयर 399 पे आज चल रहा है, और 412 भी यहाँ पर आज भी गया था एज वेल एज कुछ दिन पहले भी गया था। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच में हर्डल्स आते रहते हैं, बट स्टिल कंपनी यहाँ पर मल्टी बैगर यहाँ पर साबित हुई है। 2020 से बात करें तो 94 रुपीज 60 रुपीज पर यह शेयर चलता था और अभी यहाँ पर क्या चल रहा है 400 रुपीज पे, तो अच्छे खासे रिटर्न दिए। एज वेल एज इस कंपनी के पीछे का रीजन क्या है कि अच्छे स्टॉक्स को चुनना, ओके, नीचे के लेवल पे चुन लीजिए तो और बेहतरीन है, अगर हम ब्रेकआउट भी प्ले करते हैं तो ब्रेकआउट भी प्ले कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी की सेल्स यहाँ पर अच्छी खासी तरीके से बढ़ी है यहाँ पर कोविड में लगातार, और 1180 करोड़ की हाईएस्ट एवर सेल्स हुई है। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 133 करोड़, वो भी हाईएस्ट एवर है, क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 11% है, जो कि ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा है। नेट प्रॉफिट की बात करें 95 करोड़ है, जो कि यहाँ पर पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर है, और क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर है। और जब यहाँ पर हाईएस्ट एवर नंबर आते हैं क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पे, तो सिंपल सी बात है कि शेयर को यहाँ पर ऊपर ही जाना है। और ऐसे शेयर अगर नीचे लेवल पे मिल जाए तो यहाँ पर आपके रिटर्न और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। प्रॉफिट और लॉस में अगर हम देखते हैं ईयरली बेसिस पे, तो यहाँ पर एक देखिए एक लगातार ग्रोथ यहाँ पर देखी गई है। और कंपनी की इस बार की अगर देखें पिछले 12 महीने में 3778 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रॉफिट की बात करें 427 करोड़ का, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें 295 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। याद रखिए, हमें हमेशा आपको बताता हूँ कि चीजें हमेशा ऊपर ही जाती हुई नजर आती है अगर रिजल्ट अच्छे आते रहे। तो यहाँ पर रिजल्ट अच्छे खासे है तो चीजें ऊपर जा रही है, बट जब रिजल्ट बेकार आएंगे तो इसी तरीके से शेयर चीजें गिरता हुआ भी नजर आएगा। तो टॉप पे फंसना नहीं है, नीचे के लेवल पे चीज मिल जाए ठीक है, और ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं तो ब्रेकआउट हमें स्टॉप लॉस लगा के ही करना है, याद रखिएगा इसे अपने माइंड में। इसके अलावा रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स यहाँ पर देखिए लगातार बढ़े और 860 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरिंग ना के बराबर है, 13 करोड़ की बोरिंग है, 30 करोड़ पे वर्किंग प्रोग्रेस में, 75 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट भी है कंपनी का, एज वेल एज यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की बात करें 238 करोड़ का कैश भी कंपनी के पास पड़ा हुआ है। प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, FIDS ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं चार्ट पे, तो चार्ट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर चीज़ें पता चलेगी। देखिए सबसे पहले तो वॉल्यूम, कंपनी के जो वॉल्यूम आ रहे हैं काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूम आ रहे हैं, लगभग 1.5 करोड़ यहाँ पर शेयर की यहाँ पर ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है। कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, और डिलीवरी बेसिस पर भी अगर हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक बार डिलीवरी बेसिस पर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने शेयर यहाँ पर आज की डेट में डिलीवरी बेसिस पर यहाँ पर उठाए गए हैं। तो इससे भी एक आइडिया लग जाएगा कि शेयर को यहाँ पर ऊपर भागना है या नहीं भागना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी के यहाँ पर रिजल्ट आए तो डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा देती है, और यहाँ पर लगभग 19% के शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं, ज़्यादा शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर नहीं उठाए गए हैं, तो इसे भी अपने माइंड में रखना है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इसका प्रीवियस हाई था, ओके, जो इसकी लाइन ट्रेंडिंग लाइन बनती हुई नजर आ रही है उसके ऊपर निकल जाए तो मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। अगर इससे पहले देखे तो देखिए शेयर यहाँ पर 237 सॉरी इंडियन हुटर्स निकला हुआ है, तो यहाँ पर टिन प्लेट निकाल लेते हैं। तो टिन प्लेट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रेकआउट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया, ओके, जो कि यहाँ पर हुआ था, फिर वो फेल होता हुआ नजर आया, चीजें थोड़ी बहुत नीचे आई, अगेन यहाँ पर इसने उस लेवल को यहाँ पर निकालते हुए दिखाई दिया। वॉल्यूम की बात करें अच्छा खासा लगभग 25 लाख के आसपास के यहाँ पर शेयर यहाँ पर ट्रेड भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए दो तीन चीजें हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले इसने ये इस लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया तो ये ब्रेकआउट हो गया। अब एक और ब्रेकआउट यहाँ पर प्ले करने के लिए इसे यहाँ पर इस लाइन को, मतलब जो इसका ये प्रीवियस हाई है यहाँ पर निकाल दे, या ये इसका खुद जो खुद का हाई है ये लगभग 413 रुपये को अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पर याद रखिएगा एक रैली होती हुई दिखाई देगी। और जो RSI है याद रखिए ये यहाँ पर एज वेल एज RSI को भी देखिए, RSI यहाँ पर दिखा रहा है कि ऊपर जाते हुए दिखाई रहा है, यहाँ पर कर्व बना रहा है, एज वेल एज RSI दिखा रहा है कि हाँ मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। और RSI जैसे ही ऊपर जाएगी, ओके, इससे पहले यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर से यहाँ तक एक रैली भी हुई थी और यहाँ पर आपको स्टॉक दिलाया भी था, अगेन यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से शेयर भागता हुआ नजर आएगा। और 213 रुपए को यहाँ पर क्रॉस किया, आपको यहाँ पर याद रखिए एक बेहतरीन रैली होती हुई दिखाई देगी। और इसके टारगेट क्या आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कप बनाया, कप बनाने के बाद यह हैंडल बना रहा है, और अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से हो जाता है तो यहाँ पर चीजें निकलती हुई दिखाई देगी और जो इसे यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर टारगेट दिखाती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बार टारगेट कि यहाँ पर टारगेट कितने हो जाते हैं। हाँ, तो अगर हम इसे थोड़ा सा और नीचे ले लेंगे तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो लगभग 520 रुपये, याद रखिए शेयर कितने पे चल रहा है 400 रुपये पे, और यहाँ पर टारगेट कितने आ रहे हैं 520 रुपये के, और जो कि कितने परसेंट यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं अगर हम यहाँ पर से देख लें तो लगभग 29% के यहाँ पर टारगेट बनते हुए नजर आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें डायरेक्टली ऊपर निकलती हुई नजर आएगी, ये हो सकता है कि चीजें ऊपर जाए, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकआउट करे और इसका कंसोलिडेट करके थोड़ी नीचे आए, और फिर थोड़े दिन बाद, याद रखिए थोड़े दिन बाद यार का मतलब तुरंत नहीं है, थोड़े दिन के बाद का मतलब है कि रिजल्ट आके
ओके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो चीजें और ऊपर निकलेगी और 520 जो इसके टारगेट है वो अचीव करते हुए नजर आएगी, 30% के टारगेट। तो यहाँ पर फंसना नहीं है, अगर ब्रेकआउट को प्ले करना है तो एक स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस की बात करें तो कितने स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस 374 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी। अगर स्टॉप लॉस निकाल देंगे, अगर चीजें नीचे आनी होगी तो यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट आप यहाँ पर फंसेंगे नहीं। बट यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, चीजें यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा रेस्पॉन्स कर रहा है और सारे के सारे ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी ब्रेकआउट होगा, 413 रुपए से क्रॉस किया 414 415, तो चीजें ऊपर निकलती हुई नजर आएगी और 450 तक में लगभग, अगर 400 की चीज 450 में मिल जाती है तो 10% 12% का रिटर्न यही मिल गया। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट करके और हमें जितना हो सके सपोर्ट करिए। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।